होगा उन्होंने नशा, डेफिनेटली किया होगा वो, कल्पना उन्होंने नशा, क्योंकि आज हमारा जो है व्रत भी है और ये लोग सोचते हैं कि भाई जो शिव भक्त जो शिव शिव जी हैं वो भांग वगैरह पीते हैं, वो भांग का नशा करते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने किया होगा, डेफिनेटली मैं एग्री हूँ आपसे। वो जब ऐसे भी वो नशा करके बैठे रहते हैं, तो आज तो उसने जब वो नवरात्रों में वो अंडे कॉइल अंडे करी से अपना व्रत खोल सकती है, तो आज भांग क्यों नहीं पी सकती है। देखिए मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा स्वीटी, आपने ये बात की है ना कि मोमिन सर को सरपास करना, मोमिन सर से पूछे बगैर कोई भी काम करना हमें शोभा नहीं देता। हमें चाहिए मोमिन सर की इंस्ट्रक्शन पे काम करना। उन्होंने एक सारा लेटर बना हुआ है उनके नाम का, वो एक प्रॉपर वकील हैं, अंसार बरनी साहब से भी आज बात हुई है, एक प्रॉपर लीगल मैटर होता है। कभी भी खुद उठ के लड़ाइयां लड़ने का, जब सारा कुछ हो गया है तो अब आप जाके लड़ाई लड़ोगे तो ये लड़ाई नहीं है, ये कम में कड़म डालने वाली बात होती है। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि मोमिन सर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर किसी को कोई हक नहीं है कि अपने तौर पर कोई भी डिसीजन ले। ना तो गुलाम हैदर ने ऑथराइज किया है, ना अंसार बरनी ने ऑथराइज किया है, ना मोमिन सर ने ऑथराइज किया है। जब तक मोमिन सर कोई बात नहीं कहेंगे, हम क्यों मोमिन सर की लाइफ को देखते हैं, हम क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, हम क्यों, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, उन्होंने वो कुछ कर लिया है कि जो शायद हम लोगों को पता भी नहीं है। तो प्लीज किसी के बहकावे में मत आए, किसी की अपनी चापलूसियां या अपने चैनल को चमकाने या अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्करों में वीडियोस बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको जाना ही है, अगर आपको करना ही है काम, तो फिर आप करें ना, वीडियोस बना के वो दिखा दिखा के, ये देखो मैं यहाँ पर यहाँ पर, दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं जैसे मोमिन सर कर रहे हैं, तो मोमिन सर जो काम हो जाता है उस पर बात करते हैं, ना कि वो बात कर रहे होते हैं जो वो करने जा रहे हैं या जो वहां पे कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। या जितने भी लोग मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, वही लिख रहे हैं कि मोमिन सर ने कम्युनिटी पे क्लियर कर रखा है, वाकई में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है भाई कि कोई भी फालतू की पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि केस में मैं लॉयर हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो हमें हमें क्या किसी काले कुत्ते ने काट रखा है जो हम जबरदस्ती उस काम में वो करें, हम तो नहीं करते ऐसे। प्रीति जी आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर वीडियो नहीं बनाएगी तो दूसरे की मेहनत पर पानी कैसे फिरेगा, यही तो बात है, इसी चीज की तकलीफ है। उसने बिल्कुल गलत बोला है, उसको नहीं बोलना चाहिए ये बात, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ये बात, ठीक है ना। तो मैं इसलिए ये बात आपसे कहूंगा कि किसी की मेहनत पर नहीं, किसी की कराई, उसने अपने बंदे ने टाइम दिया है, पैसा लगाया पल्ले से, उन्होंने तो कुछ कमाया नहीं है, तुमने बैठ के यहाँ पर हजार हजार व्यूज इकट्ठे कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तुम्हारी तो जेब गर्म हो रही है ना, कोई और मुद्दे पर बात करो तो व्यूज नहीं आते। छोड़ना नहीं, इसको नहीं छोड़ना। तो फिर समझने वाली बात यही है कि अगर इसको नहीं छोड़ना तो फिर इसके साथ कम अज कम जो बंदा लीगली इस काम को कर रहा है उसको जरा लेकर चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना जरूरी है। किसी की बातों में आके मैं कोई ऐसा काम कर जो कोई ऐसी बात कर जो बात में मेरे लिए मसला हो, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसा काम किया जाए। और उम्मीद है कि आप सब भी मेरी बात से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं नीचे सब इस बात को समझते हैं कि मोमिन सर इज द वन जो ये काम कर सकते हैं, जिन्होंने ये काम किया है। जब कोई भी नहीं था, मोमिन सर ने ये कोशिश की तो उस वक्त सब लोग किधर थे, आज जब सब काम होने जा रहा है तो उस वक्त आप सेरा बांध दोगे, हम किसी का क्रेडिट नहीं लेने देंगे किसी को भी। और नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मोमिन सर लाइव नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं भाई। अब वो सोच रहे हैं कि जब तक मैं बच्चों का, हमने क्यों बोला है आप लोगों को कि तीन चार दिन और रुक जाइए, तीन चार दिन के बाद खुशखबरी मिलने वाली है, तो ऐसे ही नहीं बोला है, क्योंकि हम मोमिन सर के संपर्क में इसलिए रहते हैं कि हम ताकि आप लोगों से बता सके। अगर उसके बीच में जाके कोई टांग अड़ा देगा तो डेफिनेटली मतलब अपने आप ही एक वो होती है ना कि मैं साले में इतना मैं ही हूँ, मैं किसी काम में मैं अपने आप ही मैं काम कर रही हूँ, कोई बंदा आके जबरदस्ती छलांग मारेगा तो मेरे को बुरा लगेगा,
मेरे को बुरा लगेगा तो थोड़ी